सो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सभी? दिस साइड ललित। सो क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर आप सभी मेरे को अच्छे से सुन पा रहे हैं तो वन टाइप करें। एंड ये सेशन लाइव यूट्यूब पर भी चल रहा है। एंड जितने भी बिगनर्स हैं हमारे बीच, जितने भी जिनका भी फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, तो जो भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, इस सेशन को, सो आप सभी ना अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिए। मतलब कि जिस किसी के भी थ्रू आपको आज के सेशन का लिंक मिला है, उस पर्सन को इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लीजिए एंड सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, ठीक है? एंड एक छोटा सा मैसेज भी साथ में ड्रॉप कर देना, दैट आई एम इन लाइव वेबिनार। फास्ट गाइस, जल्दी से सभी अपनी अटेंडेंस लगवा दीजिए, मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड उस पर्सन को सेंड करें जिस पर्सन के थ्रू आपको आज के वेबिनार का लिंक मिला है। फास्ट गाइज, देन फिर हम ओके। सो मोर देन 300 प्लस पार्टनर्स हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं ऑल ओवर इंडिया से, एंड इंडिया से ही नहीं, अदर अदर कंट्रीज से भी, लाइक पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, दुबई से भी है, एंड ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ पार्टनर्स हैं हमारे बीच राइट नाउ। ओके, सो गाइज, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड ललित खड़का, अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। एंड गाइज, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, एंड अगर स्टडी की बात करूँ अपनी, बीकॉम बैकग्राउंड से हूँ, प्लस वन प्लस टू मैंने कॉमर्स करा है, एंड सीए पता है आप सभी को, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, एंड ड्यूरिंग दैट मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई। कहते हैं ना, हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, जहां से उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, ठीक है? तो मेरी लाइफ में भी वो टर्निंग पॉइंट था, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पवन सोनी सर, जिन्होंने मेरे को ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी शेयर करी थी। एंड आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, फॉर एवर लिविंग ना, सबकी लाइफ में बाय चांस आती है कि नहीं? आप लोगों की लाइफ में भी फॉर एवर लिविंग बाय चांस आई होगी, तो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही था, मेरी लाइफ में भी फॉर एवर लिविंग बाय चांस आई थी। बट यहाँ पे देखो, एक चीज याद रखना, सक्सेस बाय चांस नहीं मिलेगी। सक्सेसफुल होना है कि नहीं होना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है? तो मैंने सिस्टम को समझा, फर्स्ट डे हमको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब मैंने प्रेजेंटेशन देखी, ठीक है, फर्स्ट डे करना क्या है, कैसे इनकम आएगी, कैसे पैसे आएंगे, कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि यहाँ पे जो लोग सक्सेसफुल हो चुके थे, जिनको ऑलरेडी 1 से 2 साल हो चुके थे, वो लोग बहुत अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे थे। एंड एज अ यूथ मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे, ठीक है, मैं भी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता था। एंड हर एक यूथ का ड्रीम होता है कि आने वाले टाइम पे वो लाखों रुपए कमाए, लाखों क्या करोड़ों रुपए की हम ड्रीम देखते हैं, राइट? बट एक क्वेश्चन मार्क होता है हम सभी की लाइफ में कि ड्रीम्स तो देख लेते हैं हम लोग, बट उन ड्रीम्स को हमने पूरा कैसे करना है? एग्जैक्ट हमारे बीच, हमारे पास रास्ता नहीं होता। तो इसलिए दैट्स वाई 90% लोग बाहर अनसक्सेसफुल हैं, बिकॉज उनकी लाइफ में राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। पोटेंशियल है, कर सकते हैं वो सभी, बट राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। सो जैसे ही मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई, मैंने समझना शुरू करा, ट्रेनिंग्स अटेंड करी, एंड जब मेरे को क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे मैं कैसे ग्रो करूंगा, बस उसके बाद मैं रुका नहीं, एंड करता गया लेवल अप। टीम बनाई मैंने अच्छे से, सुपरवाइजर बना, मेरी जो इनकम थी 20,000 क्रॉस हुई, फिर असिस्टेंट मैनेजर बना मैं, फिर मेरी इनकम 50,000 क्रॉस हुई, एंड देन फिर यहाँ पे एक ड्रीम लेवल होता है सभी का, मैनेजर लेवल, मेरा वो क्वालिफाई हुआ, एंड इनकम पहुंची मेरी 6 फिगर। यस गाइस, 6 फिगर इनकम तक मैं पहुंच गया। मेरा जो मैनेजर के बाद फर्स्ट पे आउट आया था 1,05,000 का आया था। एंड अगर राइट नाउ मैं बात करूं, तो पिछले 10 महीनों में मैं 10 लाख से ज्यादा अर्न कर चुका हूं, एंड वन ऑफ द यंगेस्ट मिलियनेयर बन चुका हूं मैं इंडिया का, इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास। एंड गाइज देखो, कल का किसी को नहीं पता है ना, कब, क्या पता रात, आज रात को ही मोदी जी अनाउंस कर दे कि अब लॉकडाउन लगने वाला है 2-3 महीने के लिए। कुछ पता है क्या किसी को? पिछली बार बता के करा था क्या लॉकडाउन? 1 दिन का लॉकडाउन बताया था उन्होंने कि 1 दिन का लॉकडाउन होएगा और उसके बाद, लेकिन वो लॉकडाउन आपको पता है कितना लंबा चला,
एंड उस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब हो गई थी, ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन सभी की, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी को फेस करना पड़ा था, राइट? सो गाइज नाउ द क्वेश्चन इज, देखो 2022 स्टार्ट हो चुका है, क्या हम लोग प्रिपेयर हैं? ये सवाल आप देखो मेरे को बताने की लोड नहीं है, इसका जवाब आप लोग खुद से पूछिए, क्या हम लोग प्रिपेयर हैं 2022 के लिए? अगर 2022 में मान लो लेट सपोज फिर से लॉकडाउन हो जाता है, क्या आप लोगों के पास कोई ऑनलाइन इनकम सोर्स है? नहीं, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था ना उस टाइम मैं तो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा था एंड इसलिए मेरे को लॉकडाउन के टाइम पे भी मेरे को इनकम आ रही थी, एंड उसके बाद 2021 में भी एक महीने के लिए लॉकडाउन हुआ था आप लोगों को पता है, एंड अभी भी आपको पता है केसेस बढ़ रहे हैं, तो इट्स अ सीरियस टॉपिक गाइस, ठीक है? सो बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी आप लोगों के साथ, आप सभी अच्छे से पूरे फोकस के साथ इस सेशन को अटेंड करना, एंड आई कैन आई एम डैम श्योर कि इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके, सो गाइस पूरे फोकस के साथ इस सेशन को अटेंड करना, ठीक है? एंड आज का टॉपिक, जैसा कि हम सभी को पता है आज का टॉपिक क्या है, 21st सेंचुरी बिजनेस। आपको मैं ना स्टार्ट सबसे पहले एक पर्सन के बारे में बताना चाहूंगा जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। ये कौन है? रॉबर्ट कियोसाकी एक फाइनेंशियल ऑथर है, ठीक है, एंड इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ऑथर भी हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, ठीक है, एंड एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो बहुत बड़ा नाम है, एंड आप लोग इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप लोग बिजनेस से रिलेटेड कुछ नया सीखना चाहते हैं तो, ठीक है, एंड इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, एक बुक तो आप बहुत फेमस है, रिच डैड पुअर डैड। तो ये रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर हैं, ठीक है, एंड इन्होंने बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड बुक्स लिखी हुई हैं, द बिजनेस स्कूल, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसको बोला इन्हें दी 21st सेंचुरी बिजनेस। सो मैं इस बुक के बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगा, द 21st सेंचुरी बिजनेस, एंड रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो 21वीं सदी का बिजनेस है वो क्या है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को रॉबर्ट कियोसाकी ही नहीं और भी बहुत बड़े बड़े जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं सभी के सभी 21st सेंचुरी का बिजनेस कहते हैं। आपको पता है बिल गेट्स, हम सभी जानते हैं बिल गेट्स को, बिल गेट्स से एक इंटरव्यू में ना क्वेश्चन पूछा था एंड बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था वो, उनसे पूछा गया कि अगर सर आपको स्टार्टिंग से अपनी लाइफ को स्टार्ट करने का मौका मिले तो आप कौन सी फील्ड को चूज करते? तो उन्होंने जवाब बताऊं क्या किया कि नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मेरे को एक चांस मिलता कि मैं कैसे करके दोबारा से अपनी लाइफ की स्टार्टिंग कर पाता तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अपने करियर की शुरुआत करता। एंड चलो बिल गेट्स के बारे में तो आप लोगों को बता दिया मैंने, एंड हमारे जो इंडिया के जो लेजेंड है एपीजे अब्दुल कलाम सर, वो भी क्या कहते हैं कि 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, अब गाइज आप लोग भी इसके बारे में स्टडी कर सकते हो, एंड आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर स्टडी कराई जा रही है स्टूडेंट्स को, ठीक है, एमबीए के अंदर प्रॉपर इसके अंदर इसके इसको लेके एक चैप्टर है, ठीक है, एंड चैप्टर तो बहुत छोटी सी बात होगी, अब और अलग से ये ना वो बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग।
जैसे हम लोग आफ्टर प्लस टू क्या करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, बीसीए करते हैं, एंड आप सभी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, है ना। तो गाइज आप लोग प्लस टू के बाद बी नेट कर सकते हो, एक बी नेट नाम का एक सब्जेक्ट आ चुका है, बी नेट। इसके अंदर प्रॉपर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी कराई जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग। सो गाइज आप लोग खुद देख सकते हो। एंड 2016 में गवर्नमेंट ने, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाले थे 2016 में, एंड आप लोगों को एक और गुड न्यूज दूंगा। अभी रिसेंटली 2021 में दिसंबर मंथ के अंदर प्रॉपर रूल्स आ गए हैं। रूल्स मतलब प्रॉपर लॉ बन चुका है, एंड स्टडीज में भी आ चुका है। दिल्ली, कर्नाटका में, कर्नाटका यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आ चुका है, ठीक है। एंड हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं सीएम दिल्ली के, आप लोगों को पता है, तो वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि ये जो बिजनेस है ना, अब इस बिजनेस को इतना ज्यादा लोग क्यों वो कर रहे हैं, प्रमोट क्यों कर रहे हैं, एंड क्यों कह रहे हैं कि हाँ इस बिजनेस को करने से आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, एंड यूथ के लिए बहुत बेस्ट है, क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग एक चीज मानते हैं, वो लोग कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। क्या? योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ, ठीक है। जितने भी बड़े बिल गेट्स ये कहते हैं, एलोन मस्क हो गए, जेफ बेजोस। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक जियो का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जियो का हम सभी जियो चला रहे हैं, ठीक है। मैं खुद जियो का सिम यूज करता हूँ, ठीक है। एंड अब जियो आपके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कितने लोग यूज कर रहे होंगे? इंडिया की पॉपुलेशन आपको बताऊं कितनी है, 140 करोड़। 140 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है गाइस, एंड आधे तो इसमें भी रजिस्टर नहीं है, क्योंकि आधे है तो ऐसे हैं अपने इंडिया के जिनका आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ अभी तक। बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, मेरा खुद का एक दोस्त है, उसका आधार कार्ड तक नहीं बना हुआ, बताओ। और मेरे से बल्कि 1 साल बड़ा है वो, फिर भी। तो 140 करोड़ लोगों में से ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें, 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ छोड़ो, चलो 5 करोड़ तो कर ही रहे हैं, वैसे तो इससे ज्यादा ही कर रहे हैं, ठीक है। अब जियो के यूजर कितने हैं? 5 करोड़ यूजर्स मान लो, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो जियो ने क्या करा, फ्री में दिया। अब स्टार्टिंग में फ्री में देने का जो मेन रीजन था, वो एक ना कम्युनिटी तैयार कर रहा था। क्या कर रहा था? कम्युनिटी तैयार कर रहा था, अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहा था। ये बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती हैं गाइस, बिजनेस स्ट्रेटेजीज, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। अब जियो ने फ्री में लोगों को डाटा दे देकर, फ्री में सिम दे देकर अपनी एक अपना एक नेटवर्क तैयार कर लिया, मतलब अपनी एक मार्केट बना ली, ठीक है, पूरे इंडिया में। एंड धीरे 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 करते, और अब एंड अपने इंडिया वाले, आपको पता है फ्री की चीज जहां मिलेगी ना वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 5 करोड़ लोगों का उसने कम्युनिटी तैयार कर ली, नेटवर्क बन चुका है उसका। एंड उसके बाद उसने क्या कर दिया, सारा कुछ पेड कर दिया। अब पेड करने के बाद क्या हुआ, उसने बाहर बाहर का जो मार्केट रेट चल रहा था, जैसे जितने में एयरटेल, टाटा डोकोमो, वोडाफोन, ये सारे जितने में डाटा दे रहे थे ना, उससे कई गुना सस्ते में इसने प्लान लॉन्च करे, ठीक है। अब मान लो आज की डेट में जियो का मिनिमम 1 महीने का रिचार्ज कितने का है, 150 रुपए का। कितने का है? 150 रुपए का। अब उसको 150 रुपए एक बंदे से आ रहे हैं, एंड कितने लोगों से आ रहे हैं? अगर 150 रुपए का रिचार्ज एक बंदा करा रहा है हर महीने का, ठीक है, तो उसको महीने में कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है,
150 को मल्टीप्लाई कर दो 5 करोड़ से, कितने हो गए? कैलकुलेटर ऑन कर लो, आप लोगों के सामने करता हूं। 150 × 5 कितने? 750 करोड़। कितने बनते हैं? 750 करोड़ों का उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है उसका पर मंथ। ये तो मैंने आप लोगों को एवरेज बताया, अगर 5 करोड़ यूजर हैं तो, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं आपको मैं बता दूं, ठीक है? अब देख रहे हो, दिस इज बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब गाइज आप लोगों को पता लगा नेटवर्क की पावर कितनी है, नेटवर्क की। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, छोटा सा नेटवर्क से रिलेटेड। अब जोमैटो, जोमैटो के बारे में कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं, एंड हम सभी ने कभी ना कभी जोमैटो से ऑर्डर करा होगा, कुछ ना कुछ खाने के लिए मंगाया होगा, राइट? लेकिन क्या हमें वहां से कुछ इनकम आई? नहीं आई। अब जोमैटो ने एक्चुअली में करा क्या, जोमैटो ने क्या करा, रेस्टोरेंट के साथ टाई अप कर दिए, होटल्स के साथ, मतलब जितने भी होटल्स हैं रेस्टोरेंट्स के साथ उसने टाई अप कर लिया। अब जोमैटो देखो, जोमैटो का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, है ना? जोमैटो का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, एक भी होटल नहीं है, और ओयो के पास भी एक भी होटल नहीं है। इन्होंने क्या कर रखा, सिंपली टाई अप कर रखा है। एंड बीच में ये लोग क्या बन रखे, इन्होंने बस स्मार्ट वर्क करा, स्मार्ट वर्क करा, एक ऑनलाइन ऐप बना दी। अब जोमैटो ने बताओ क्या बोला, रेस्टोरेंट के साथ टाई अप करा। रेस्टोरेंट वालों को क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए, उनको तो चाहिए कि बस उनका ऑर्डर लग जाए, है ना? रेस्टोरेंट वालों को तो इन्हीं से मतलब है कि उनका माल बिकना चाहिए। अब जोमेटो ने क्या बोला कि आपका माल मैं बिकवाऊंगा, आपका माल, आपका खाना मैं सेल कराऊंगा, बदले में मेरे को क्या दोगे? उसने कमीशन मांगी, डिमांड करी कि मेरे को ज्यादा नहीं, मेरे को सिर्फ 10% कमीशन दे देना। मतलब कि अगर 100 रुपए का ऑर्डर होगा तो उसमें से कितने रुपए जोमेटो वाले के होंगे? 10 रुपए, ठीक है? 100 रुपए, हर 100 रुपए के ऑर्डर में से 10 रुपए किसके खाते में जाएंगे? जोमेटो वाले के। क्यों? क्योंकि जोमेटो वाला दे रहा है उसको कस्टमर, ठीक है? कस्टमर जोमेटो वाला दे रहा है होटल वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, राइट? तो 10 रुपए तो इसका हक बनता ही है ना। तो लेकिन देखा जाए ना, इसको होटल खोलना पड़ रहा है ना, सामान सब्जियां खरीदनी पड़ रही है ना, खाना बनाना पड़ रहा है ना, कोई स्टाफ रखना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, स्मार्ट वर्क कर रहा है, राइट? तो अब मान लो जोमेटो कितने लोग यूज कर रहे हैं, अगेन 140 करोड़ की हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, 140 करोड़ में से मान लो अगर 1 करोड़ लोग भी जोमेटो यूज करते हैं, एंड मिनिमम ऑर्डर 100 रुपए का लगा लेते हैं, तो कितने की रेवेन्यू जनरेट हो रही है जोमेटो वाले की? 10 करोड़। ये आपको मैं पर डे की बता रहा हूं, पर डे की, क्योंकि ऑर्डर तो बंदा एक दिन में एक करता है ना, रिचार्ज महीने में एक बार ही कराता है, लेकिन ऑर्डर तो डेली के होते हैं ना। अगर हर बंदे से 10 10 रुपए भी आ रहे हैं उसको, तो सोचो 1 करोड़ लोगों से 10 रुपए आ रहे हैं उसको, तो 10 सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कितना होता है? 10 करोड़। समझ रहे हो? आपको पता लग रही है नेटवर्क की पावर क्या है? इसीलिए तो बड़े बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्या बोलते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब यहाँ पे लर्निंग क्या है, सीखने वाली बात क्या है? अब आप लोग ध्यान से देखो एक बारी, हम लोग दूसरों के नेटवर्क में आ रहे हैं, जियो के नेटवर्क में हम लोग आ रहे हैं, जियो हमारी जेब से पैसा जियो वाले को जा रहा है। अब सोचो हम लोग डेली बेसिस पे कितने सारे लोगों के नेटवर्क में आ रहे हैं। हम पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल पंप वाले के नेटवर्क में आ गए, हमारी जेब से पैसा उनकी जेब में जा रहा है कि नहीं? हम लोग राशन लेते हैं, किराने वाली दुकान के नेटवर्क में हम लोग आ गए, ठीक है? हम लोग दूध लेते हैं, दूध वाले के नेटवर्क में आ गए। हम लोग फ्रिज खरीदते हैं, हम लोग उनके नेटवर्क में आ गए, है ना? हम लोग देखा जाए दूसरों के नेटवर्क में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हो, आप लोग बिजनेस करना चाहते हो, तो गाइस आपको खुद का नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये सोचो कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, आपके नेटवर्क में कौन आ रहा है? सोचो, कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं।
इसीलिए तो हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो हम लोग गरीब हैं। जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग अपना नेटवर्क बनाने की तरफ फोकस कर रहे हैं, एंड हम लोग गरीब बंदा ये सोच रहे हैं यार ये तो जोड़ने का काम है, जोड़ जोड़ के बेकार काम होता है ये यार। अच्छा फेसबुक कौन चला रहा है, इंसान या जानवर? इंसान चला रहा है। फेसबुक के साथ हम लोग जुड़े हैं, ठीक है, जोमेटो वाले के साथ हम लोग जुड़ते हैं, जियो वाले के साथ हम जुड़े हैं, तो गाइज जोड़ना कहाँ से गलत हुआ? एंड देखा जाए तो हम लोग भी तो जुड़े हुए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स के साथ, यहाँ पे भी तो एक चेन बन रहा है। एंड बड़े बड़े कॉरपोरेट बिजनेस के अंदर भी, ये आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, मान लो एक कौन होता है, सीईओ होता है, ओनर, उसके नीचे चार पांच क्या होते हैं, बोर्ड मेंबर्स, उसके नीचे जनरल मैनेजर्स होते हैं, राइट। अब जनरल मैनेजर के नीचे बहुत सारे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं, अब जनरल मैनेजर के नीचे बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, राइट। अब मैनेजर्स के नीचे बहुत सारे सुपरवाइजर्स होंगे, है ना, एएम्स होंगे, असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे, एंड बहुत सारे स्टाफ होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, राइट। तो गाइज यहाँ पे भी तो एक पिरामिड बन रहा है, यहाँ पे भी तो सोच रहे हो, क्लैरिटी, अपने माइंड को क्लियर करो बस, ठीक है। बस देखो गाइज नजरिए की बात है, ठीक है, आप जिस नजर से इस दुनिया को देखोगे आपको ये दुनिया वैसी ही दिखेगी, ये रियलिटी है। तो गाइज ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई जो मैंने नेटवर्क से रिलेटेड बात बताया, इसलिए 21st सेंचुरी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग को कहा गया है। ये चीज अगर आप लोगों को क्लियर हुई है एंड अच्छा लगा है, तो लाइक का बटन है आपके सामने, तो उसको जरूर प्रेस करें। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पेज खोलते हैं। अब नाउ, अब आप सभी, मेरे को पता है अब आप लोग खुद का नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो, तो गाइज अब मैं भी करना चाहता था, जब मेरे को ये चीजें क्लियर हुई तब मेरे को ये चीज पता लग गया था कि अगर मैं नेटवर्क नहीं बनाऊंगा और मेरे नेटवर्क में कोई नहीं आएगा तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, ठीक है। जितने भी लोग अमीर हो रहे हैं उन सबके पास नेटवर्क था, ठीक है, उन सबके पास मार्केट थी। अब मैं भी खुद का मार्केट बनाना चाहता था, नेटवर्क बनाना चाहता था, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करूं? तो गाइज जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है ना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये एक अमेरिकन एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है ये, एंड ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, एंड इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 13 मई 1978। अब इतने सालों से चल रही है कंपनी को, 43 इयर्स हो चुके हैं, मतलब कि, एंड 43 इयर्स के अंदर फॉर एवर लिविंग 160 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही है। तो गाइज ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब कि आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से आप लोग 160 कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑलरेडी देखो, डाउट करने वाली कोई बात नहीं है, ऑलरेडी 43 इयर्स से चल रही है, ठीक है, तो शक बिल्कुल भी मत करना, शक करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। बस क्या, अपने माइंड को क्लियर करने की लोड है, खुद को क्लियर करने की लोड है, ठीक है। एंड देखो अब आपको मैं बताऊं, दिसंबर, नवंबर मंथ में मेरे को दुबई से लगभग 35,000 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए। कितने? 35,000 रुपीज दुबई से, ठीक है। अब देख सकते हो ये इस बिजनेस की पावर है। एंड इस मंथ जो मेरा पे आउट आ रहा है उसमें से नियर अबाउट 10,000 मेरे को ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, 10,000 मेरे को ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। अब आप लोग खुद देख सकते हो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, ठीक है। एंड मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगा, अपने पे आउट भी शेयर करूंगा, सब कुछ शेयर करूंगा, ठीक है। सो जा आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एवर लिविंग के साथ अगर अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए क्या लगता है? आपका आईडी प्रूफ, क्योंकि देखो प्रोफेशनल काम है, ठीक है, कोई लोकल बिजनेस नहीं है, ठीक है। प्रॉपर आपकी आईडी क्रिएट होगी, आपकी आईडी क्रिएट करने के लिए आपको आईडी प्रूफ देने पड़ते हैं, आधार कार्ड,
और पैन कार्ड, मतलब इनकी फोटो से भी काम चल जाता है आपकी, क्योंकि डिटेल्स फिल करनी होती है ना, और आपके किस फिर किसके नाम से हम लोग आईडी क्रिएट क्रिएट करेंगे, राइट। एंड उसके बाद प्रॉपर केवाईसी होती है, एंड उसके बाद जाके आपको एक 12 डिजिट की आईडी दी जाती है। एंड ये आईडी जो होती है ना 12 डिजिट की, ये सबकी अलग अलग होती है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, बाकी सीनियर्स की अलग है, ठीक है। एंड इस आईडी के थ्रू आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है, ज्वाइनिंग का प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया, ये था आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसीजर। एंड लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा, हो सकता है आज किसी का फर्स्ट डे हो सकता है आज किसी का सेकंड डे हो, तो जितने भी बिगनर्स हैं आप लोगों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले प्रॉपर अच्छे से सिस्टम को समझ लो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो फोन नहीं उठाते, हम लोग ट्रेनिंग भी नहीं लगाते। ट्रेनिंग भी हम लोग तब लगाते हैं जैसे 2-3 बार जिसने भी आपको बिजनेस शेयर करा है वो पर्सन आपको 2-3 बार ही फोन करता है, तब जाके आप लोग एक सेशन अटेंड करते हो। क्यों? आप लोग अपने लिए आ रहे हो, ठीक है, किसी और के लिए नहीं आ रहे। एंड एक चीज याद रखना हमेशा, कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा, पड़ोसी नहीं आएगा आपके घर पे जब आपको कामयाब करने, ठीक है। आपके घर पे कोई इमरजेंसी आएगी, कोई कोई नहीं देखने आएगा, ना कोई आपके पड़ोसी आएंगे ना आपके यार दोस्त आएंगे। एट लास्ट आपको खुद के लिए खुद स्टेप लेना पड़ता है। जितनी जल्दी ये चीज समझ लोगे उतना ही आप लोग फायदे में रहोगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने खुद के लिए करना है, तो आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। एंड इस बिजनेस से अगर सच में अर्न करना चाहते हो तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी। अब ये था ज्वाइनिंग का प्रोसीजर, अब ज्वाइनिंग तक का आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको आगे बिजनेस स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जो बिजनेस प्लान है। एंड आपको पता है जो फॉर एवर लिविंग का जो मार्केटिंग प्लान है, जो फॉर एवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान है, इसको वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान कहा गया। आपको पता है 2016 में लंदन के अंदर फॉर एवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान को अवार्ड मिला था बेस्ट मार्केटिंग प्लान का। वो मार्केटिंग प्लान मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग बनते हैं प्रेफर्ड कस्टमर, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया आपकी 12 डिजिट की एक आईडी क्रिएट होती है, राइट। अब एंड ज्वाइनिंग करते ही आपका जो फायदा होता है, आपको 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट लेवल होता है वो मिलता है हमें 2 CC करने पर, एंड 2 CC करते ही हम लोग बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब ये सीसी क्या है, अब मैं आप लोगों को सीसी क्लियर करता हूँ। सीसी की फुल फॉर्म है कॉमन पर, ध्यान से समझना, ठीक है, और ज्यादा सीरियस होके। अब सीसी क्यों जनरेट करने पड़े, क्योंकि आपको पता है फॉर एवर लिविंग 160 कंट्रीज में चल रही है, हर एक जगह अलग अलग करेंसी है, एंड उन करेंसीज का जो प्राइस रेट है वो हर कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे दुबई का एक धीरम अभी चल रहा है 20 रुपए का, एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर अभी चल रहा है 54 रुपीज का चल रहा है, एंड अमेरिकन जो डॉलर है यूएस डॉलर वो चल रहा है अप्रोक्स 74 to 75। अब मेरे को क्यों पता है, क्योंकि मेरे को वहां से इनकम आ रही है, इसलिए मेरे को पता है, ठीक है। तो गाइस हर जगह अलग अलग रेट चल रहा है, तो बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसलिए फॉरएवर ने खुद की करेंसी बना दी। अब जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट्स को कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, किसी को 150, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 200, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अब जब हमारी आईडी में 1000 पॉइंट्स कलेक्ट हो जाते हैं, जो आपकी आईडी है 12 डिजिट की, उसके अंदर जब आप चाहे खुद परचेज करो, चाहे आप किसी को रेकमेंड कर लो, ठीक है, किसी को शेयर करो, तब आपके जब आपके 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो हम इसको 1 CC बोलते हैं, एंड जब आपके 2000 पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं तो हम इसको 2 CC बोलते हैं। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम के बाद हम लोग ये तो नहीं बोलते 1050 ग्राम टमाटर दे दो या 1000 ग्राम टमाटर दे दो, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, 1 किलो टमाटर देना, 2 किलो टमाटर देना, राइट। तो वैसे
जब 1,000 से ऊपर हो जाते हैं तो हम उनको 1 cc बोलते हैं, 2 cc बोलते हैं। 3000 इक्वल टू 3 cc, सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, ठीक है? मैं पहली बता रहा हूँ, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है? धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, एंड जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना उनको क्लियर करा करो, ठीक है? एंड फोन करते हैं ना तो उठाया करो उनको, ठीक है? इसमें आप ही का बेनिफिट है। एंड जैसे ही 2 cc कर लेते हैं हमारा लेवल अप हो जाता है, हमारा जो डिस्काउंट होता है हो जाता है 5% से सीधा 35% तक बढ़ जाता है। एंड जैसे ही हम लोग 2 cc करते हैं हमें एक और पावर देती है फॉरएवर, एंड ये पावर सुपर पावर होती है, सुपर पावर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो 2 cc के बाद हम लोग खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहीं पे भी किसी को भी अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, किसी को भी अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हैं कहीं पे भी। लेकिन उसके लिए पहले खुद सीखोगे जब तो दूसरों को सिखा पाओगे, ठीक है? तो खुद सीखना बहुत जरूरी है। एंड आप लोगों को इन सब से सारी सीसीज भी आएंगी एंड इनकम भी आएगी, दोनों ही चीजें आएंगी, ठीक है? एंड अब आपने क्या करना है, अपनी नेटवर्क के साथ अपनी एक टीम बनानी है, एंड आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर लेवल है आपका नेक्स्ट लेवल, एंड ये आपको तब मिलता है जब आप 25 cc कर लेते हो, एंड डिस्काउंट अगेन बढ़ जाता है, 38% हो जाता है। अब गाइस 25 cc करने के लिए आपके पास सिंपल तरीका है, ठीक है? 13 पार्टनर्स को अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन करवाओ, एंड वो भी आगे बढ़ना चाहेंगे, उन्होंने ज्वाइनिंग करी, अब वो भी जल्दी जल्दी 2 cc कंप्लीट करना चाहेंगे। एंड जब 13 लोग 2 2 cc करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 26 cc। लेकिन आपका तो 25 cc पर ही आपका लेवल अप हो जाता है और आप सुपरवाइजर बन जाते हो। एंड सुपरवाइजर पर आपकी जो इनकम होती है ना वो होती है 20,000 to 40,000, एक सुपरवाइजर की इनकम होती है। एंड नेक्स्ट जो लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर का, एंड ये मिलता है हमें 75 cc पर। अब जितने भी लोग, जिन जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, अब आप तो बन गए सुपरवाइजर, अब वो भी तो सुपरवाइजर बनना चाहेंगे, ठीक है? वो भी जल्दी जल्दी अपने 25 cc को अचीव करना चाहेंगे। अब देखो कितना बढ़िया मार्केटिंग प्लान है, इसलिए तो ही बोला गया है। यहाँ पे आपने अपने लेवल के बारे में नहीं सोचना, आपके साथ जो आ रहा है आपने उसकी ग्रोथ के बारे में सोचना है, आपका लेवल तो ऑटोमेटिकली अप होता जाएगा, ठीक है? तो जो 13 पार्टनर्स थे, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, उनमें से अगर कोई भी 3 लोग 25 cc का बिजनेस कर लेते हैं तो आपके 75 cc हो जाते हैं। अब आपकी टीम से 3 लोग सुपरवाइजर भी बन गए और आप असिस्टेंट मैनेजर भी बन गए, एंड आपका जो लेवल अप, डिस्काउंट बढ़ेगा 43% हो जाएगा, एंड आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी 40,000 से लेके आपकी जो इनकम होगी वो होगी 60,000 तक। एंड जो नेक्स्ट लेवल है, जो हमारा ड्रीम लेवल है, दैट इज मैनेजर लेवल। ये होता है 120 cc पर, एंड ये क्वालिफाई करते ही 48% डिस्काउंट आपका बढ़ जाता है, एंड आपकी जो इनकम होती है वो हो जाती है 80,000 to 1 lakh, आपकी मंथली इनकम हो जाती है। अब सिंपल, एंड राइट नाउ मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मैंने ये सारे लेवल्स क्वालिफाई कर लिए हैं, जितने भी लेवल्स आपको बताए हैं, ठीक है? एंड इस बिजनेस के अंदर मेरे को 2.5 ईयर हो चुके हैं, ठीक है? बाकी गाइज ये था मार्केटिंग प्लान, ठीक है? एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? अच्छे से, एंड मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ दिखाना चाहूंगा, ठीक है? इतना क्लियर है आप सभी को? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। आप लोगों को मैं अपनी जर्नी दिखाता हूँ कि कैसे, आप लोग, कईयों को लग रहा होगा कि ये पता नहीं पहले से इनको कंपनी शायद कुछ देती है ये वो, है ना? हम करेंगे तो पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को अपना एक वीडियो दिखाता हूँ, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था।
ये 2020 की वीडियो है, 2020 की। हेलो टीम, कैसे हो सभी? सो आपको मैं कुछ अपकमिंग मिलेनियर से मिलवाना चाहता हूँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू? विक्की सर। हेलो जी, कैसे हो सभी? सो आप सभी देख रहे होंगे हमारा लग्जरी रिजॉर्ट, 7 स्टार वाली फील आ रही है। सो कैसे हो साहिल जी? ओके सर। सुरेश जी? आई एम गुड सर। मनीक सर? ओके ओके गाइस, सो ये लो। सो गाइस देखो, एक ये टाइम है, अभी हम लोग घर से 200 किलोमीटर दूर आ रखे हैं समालका में, ठीक है, एंड सॉरी 204 किलोमीटर, ठीक है। सो बिल्कुल बिल्कुल। सो किस लिए आए हैं? सिर्फ और सिर्फ सक्सेस होने के लिए गाइस, क्योंकि देखो कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। एंड एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं आप सभी को, कभी भी मेहनत करने का मौका मिले ना तो पीछे मत हटना, ठीक है, क्योंकि कामयाबी से पहले आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, बहुत मेहनत लगेगी आपकी, ठीक है। सो डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट गाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, ये वीडियो थी 2020 की, एंड मैं अपनी टीम के कुछ अपकमिंग मिलेनियर्स के साथ पानीपत में गया था, एंड वहां पे घर से बिल्कुल अलग, मतलब लगा लो घर वाले, घर की बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी, ठीक है, बस किस लिए? सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। सोच रहे हो, मतलब देखो सक्सेस ना आसानी से नहीं मिलेगी आपको, सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है। कहते हैं कामयाब वही हो सकता है जो कामयाबी की कीमत चुका सकता है, ठीक है। तो गाइस आपकी लाइफ में भी अब एक अपॉर्चुनिटी तो आ गई है, रास्ता तो आ चुका है, ठीक है, रास्ता तो भगवान ने दिखा दिया, लेकिन चलना आपको खुद को पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को लास्ट में एक एडवाइस दूंगा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ठीक है, उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि लोग तो देखो बोलेंगे ही, लोग तो भगवान को तक गालियां देते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो, आपको छोड़ देंगे क्या? सो बाकी मैं आपको लोगों को अपने कुछ पेआउट्स दिखाता हूँ। दिसंबर 2020 का मेरा जो पेआउट था वो था ये मेरा नाम डियर ललित खड़का, ये मेरी आईडी 12 डिजिट की आईडी, एंड ये मेरा पेआउट है 56,093 रुपीज का। ये कौन सा? दिसंबर 2020 का पेआउट है ये मेरा। अब मेरे को बताओ दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आता है? दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आता है? एंड मैं राइट नाउ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे था, जो 75 cc होते हैं, ठीक है। एंड दिसंबर के बाद जनवरी 2021 में मैं मैनेजर बन गया था, एंड मैनेजर बनते ही मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पे हर मैनेजर की ऑन एन एवरेज 80,000 to 1 lakh मंथली इनकम रहती है। तो ये मेरा जनवरी 2021 का पेआउट है, कितना है? 105,180 रुपए 23 पैसे। पैसे पैसे का हिसाब मिलता है हमको यहाँ पे, ठीक है। एंड ये मेरी 12 डिजिट की आईडी है। सो अब जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है? फेब मंथ आता है ना। अब ये है मेरा फेब मंथ का पे आउट, कितने का है? ये मेरा नाम 80,303 rupees 13 paise फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2021। सो ये मेरा फेब मंथ का पे आउट है। एंड अब फेब के बाद कौन सा मंथ आता है? मार्च। अब ये मेरा मार्च का पे आउट है। आप लोग देखना, ग्रोथ देखना, इनकम पोटेंशियल बहुत है, ठीक है। हेयर इट इज 94,052 rupees 57 paise। ये मेरा मार्च मंथ का पे आउट है। ये मेरा नाम, ये मेरी आईडी। अब कौन सा मंथ है? मार्च के बाद अप्रैल। सो ये मेरा अप्रैल मंथ का पेआउट है, कितना? 81,256 rupees 0.25
23 पैसे, ये मेरा अप्रैल मंथ का पे आउट है। एंड अब अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? अब गाइस जो पे आउट दिखाऊंगा ना मैं, आप लोग हिल जोगे, शॉक हो जाओगे, क्या इतना भी आता है? ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ। लोग 5-5, 6-6 करोड़ के पे आउट ले रहे हैं इसी बिजनेस से। अब ये मई मंथ का मेरा पे आउट है 1,56,020 रुपीज 44 पैसे। 1 मंथ में कितनी इनकम आई मेरी? 1.5 लाख से भी ज्यादा। लोगों की साल की इनकम नहीं होती। अब जो इंसान, सोचो खुद कैलकुलेट करो, जो बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है, कैलकुलेट करो। अब 12 महीने होते हैं into 2, 1,20,000 हुए साल के। अब यहाँ पे सिंगल एक पे आउट कितने का है? 1,56,000 का, ठीक है। तो गाइज ये थी मेरे कुछ पे आउट्स, ठीक है। एंड बाकी गाइज सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। अब करना ना करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर कर लोगे तो एक दिन ये सारी चीजें, ये पे आउट्स एक दिन आपके होंगे, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, क्रिकेट देखने से पैसा नहीं आता, क्रिकेट खेलने से पैसा आता है, ठीक है। तो गाइस बिजनेस को देखने से, सीखने से पैसा नहीं आएगा, जब आप करोगे ना एक्चुअली में तब पैसा आएगा। आप मान लो आपको स्विमिंग सीखनी है, ठीक है, आप देख ही जा रहे हो लोगों को स्विमिंग करते हुए स्विमिंग पूल में, ठीक है। एंड आपका कोच भी आपको सिखा रहा है कि ऐसे ऐसे स्विमिंग करते हैं, लेकिन आप पानी में नहीं कूद रहे, आप देख ही जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं पहले अच्छे से सीख लूं सारा, उसके बाद मैं पानी में कूद दूंगा। क्या पॉसिबल होगा? क्या होगा? 1 साल देखते रहो, 2 साल देखते रहो, 3 साल देखते रहो, 4 साल देखते रहो, कभी भी स्विमिंग नहीं सीख पाओगे। जो सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, छलांग मारनी पड़ेगी। तो गाइज अब आप लोगों की बारी है, ठीक है। मैंने तो छलांग मार दी थी इस प्लेटफॉर्म में आज से 2.5 साल पहले। अब आपका टाइम है, ठीक है, आपका फ्यूचर है, आपके ड्रीम्स है, तो उसके लिए करना भी किसको पड़ेगा? आपको। और गाइज 2021 खत्म हो चुका है, एंड हम लोगों को पता नहीं चला कि कैसे 2021 खत्म हो गया। अब गाइज 2022 को अगर अपना लाइफ चेंजिंग ईयर बनाना चाहते हो ना, कुछ नया करना चाहते हो, नए नई चीजें चाहते हो अपनी लाइफ में, तो गाइज आपको सबसे पहले कुछ नया करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ नया मिलेगा, ठीक है। कहते हैं अगर वही करते रहोगे जो अब तक कर रहे थे तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिल रहा था। अगर कुछ नया चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो बाकी लास्ट में बहुत सारे पार्टनर्स कह रहे हैं सर आज की ट्रेनिंग में मजा आ गया, अपना इंस्टा हैंडल बताइए प्लीज सर, एंड कुछ नंबर भी मांग रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो इंस्टा अकाउंट है वो है ललित खड़का 99, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल, ठीक है। एंड अच्छी लगे तो फॉलो भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने तो आपको इंस्टा अकाउंट बता दिया अपना, ठीक है, ये है मेरा ऑफिशियल अकाउंट है ये, ठीक है। सो ललित खड़का 99, एंड इसमें मैंने इनकम भी डाल रखी है, अपनी अचीवमेंट्स भी, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी डाली भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाता। सो बट कोई ना, कोशिश कर रहे हैं। एंड गाइस, एंड हाँ, हमारी जो कम्युनिटी है Win23 कम्युनिटी, एंड ये उसका ऑफिशियल पेज है, ठीक है, ये उसका ऑफिशियल पेज है। डेली बेसिस की जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं यहाँ पे, उनके पोस्टर पहले ही डल जाते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग कब होने वाली है। तो जैसा कि ये देख सकते हो, आज की ट्रेनिंग का ये पोस्टर था, राइट? 21st सेंचुरी बिजनेस होस्ट मिस्टर ललित खड़का। सो गाइस अब आज का सेशन आपको जैसा भी लगा ना, तो इस पेज को पहले फॉलो कर लेना, एंड फिर ये जो पोस्ट है इसके नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज के सेशन से आपको क्या सीखने को मिला, ये सारी चीजें आप लोगों ने बतानी है, ठीक है, अपने कमेंट्स में, अपने मतलब रिव्यूज देने हैं, ठीक है गाइज, क्योंकि रिव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग कोई भी चीज परचेज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके रिव्यूज चेक करते हैं पहले, राइट? तो गाइज आप लोगों ने जेन्युइन फीडबैक देना, अगर अच्छा लगा है तो ठीक है, सेशन अच्छा था, क्या सीखने को मिला वो चीजें मेंशन करें, अगर नहीं लगा तो कोई ना वो भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो है सबके सामने रहेगा, ठीक है। एंड बाकी
हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, एंड ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, जाके चेक करें, अगर अच्छी लगे तो फॉलो करें। बाकी गाइज मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत सारी गुड विशेस, एंड 2022 में आप लोग खूब तरक्की करो एंड आपके सभी ड्रीम्स पूरे हों, ठीक है गाइज, सो टिल द